ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मैरीटाइम विजन 2030 को अनवील किया 2019 में। ये मैरीटाइम विजन के पास हर एक फील्ड में क्या क्या करना चाहिए, एवरी पोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली। इसमें सारा पोर्ट्स बनना चाहिए बाय 2030 टोटली मैकेनाइजेशन, सेकेंड वन इज ग्रीन पोर्ट, थर्ड इज डिजिटाइज्ड पोर्ट मीन स्मार्ट इनिशिएटिव्स, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में होना चाहिए, ऐसे बहुत सारा चीज़ें उसमें मैरिटाइम विजन 2030 में। इसमें पारादीप पोर्ट वी हैव आइडेंटिफाइड 99 इनिशिएटिव्स वर्थ ऑफ अबाउट 16,743 करोर्स का इनिशिएटिव्स हम आइडेंटिफाई किया जो हम करना है। इसमें ऑलरेडी हम 42 इनिशिएटिव्स कंप्लीट कर चुका है, उसका वर्थ है 6,700 करोर्स अप्रॉक्सीमेटली, और 9,000 और करीब करीब 9,000 करोड़ का नेक्स्ट 3-4 साल में हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने से पारादीप पोर्ट विल एमर्ज एट द वर्ल्ड्स बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ग्रीन, एक स्मार्ट एंड एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव पोर्ट के रूप में उभर करके आ जाएगा। हम एक स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव में एक मॉडर्न सिग्नल स्टेशन बन रहा है। ये सिग्नल स्टेशन पोर्ट में बोलता है लाइक एयर कंट्रोल स्टेशन, अभी एयरपोर्ट में चला गया आपने, एक एयर कंट्रोल स्टेशन रहता है, कंट्रोल टावर रहता है जिससे पूरा कंट्रोल करता है। सिमिलरली सिग्नल स्टेशन इज द कंट्रोल स्टेशन फॉर द पोर्ट। हम एक मॉडर्न सिग्नल स्टेशन बन रहे हैं, ऑलरेडी अवार्ड्स हो चुका है, इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक ये हो जाएगा। दिस विल बी वेरी वेरी एस्थेटिकली लुकिंग मॉडर्न सिग्नल स्टेशन जिसमें सॉफ्टवेयर होता है वो आत्मनिर्भर भारत का अंतर्गत IIT चेन्नई ने डेवलप कर रहा है, दैट इज वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर वेसल मैनेजमेंट इन द कंट्री। अभी तक कोई पोर्ट ने, वेदर इट इज़ ए मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट, कोई इसी टाइप का इतना एडवांस्ड वर्जन सो किया नहीं। इसमें हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा, बिकॉज छोटा मोटा ऑयल पोल्यूशन भी वो ग्रैब कर लेता है एंड इवन स्मॉल मैमल्स का मूवमेंट भी कैप्चर कर लेगा। एवरीथिंग एंटायर एंकरेज एरिया में इवन ए पिन कैन बी कैप्चर्ड बाय दिस सिस्टम। इसी टाइप का मॉडर्न सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। दूसरा चीज़ है एक नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन, NLP मेराइन, दी ए भी हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्वानंद सोनोवाल सर ने इनॉग्रेट कर चुका है। इसमें एक एडवांटेज है, दिस इज अ कॉमन पोर्टल फॉर ऑल द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स वर्किंग इन द पोर्ट्स, एनी पोर्ट इन द कंट्री। बाद में ये प्राइवेट पोर्ट्स को भी एक्सटेंड हो जाएगा, अभी मेजर पोर्ट्स में ऑलरेडी चालू है। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म में बैंक के साथ कर सकते हैं, रेलवे के साथ कर सकता है, देन स्टीवर्ड्स के साथ कर सकते हैं, एनी एजेंसी इन्वॉल्वड विद द पोर्ट ऑपरेशंस आर लिंक्ड। बार बार डिफरेंट कस्टम्स के साथ सब कुछ इट इज इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड कॉमन ई प्लेटफॉर्म है। ये अभी ऑलरेडी हम लोग रोल आउट कर चुका है, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम डिसम्बर ऑनवर्ड्स। बट इसमें नया चीज़ एक हम चालू कर दिया, एक मोबाइल ऐप भी हम लोग ऑलरेडी इनॉग्रेट कर चुका है। जैसे अभी आप लोग एयर टिकट करना है या रेलवे टिकट करना है, जैसे मोबाइल कोई और कोई इवन लैपटॉप भी जरूरत नहीं, मोबाइल में आप कर सकते हैं सब कुछ, पेमेंट भी कर सकता है, टिकट भी ले सकता है। इसी हिसाब से एक मोबाइल से सारा ऑपरेशन, एक कस्टमर सारा ऑपरेशन, सारा कमर्शियल थिंग्स विद द पोर्ट कर सकते हैं हमारे के साथ साथ। वो कहीं आने का जरूरत नहीं पोर्ट के साथ, अपना घर में कहीं ट्रैवलिंग में भी मोबाइल के साथ कर सकते हैं। दिस इज़ ए बहुत बड़ा मेजर स्टेप पे ऊपर डिजिटल पोर्ट स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव्स में। ये भी हम लोग ऑलरेडी रोल आउट कर चुका है, दिस विल बी ए गेम चेंजर इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव फॉर द पोर्ट्स। सो साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ विथ कंक्लूजन में, एंड बहुत खुशी लग रहा है आपके साथ शेयर करने के लिए, दैट वी हैव बिकम नंबर वन मेजर पोर्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा चीज है पारादीप पोर्ट, तीन पोर्ट्स कंट्री में आइडेंटिफाई किया फॉर डेवलपिंग हाइड्रोजन हब्स। एक तो पारादीप पोर्ट है, नंबर टू इज कांडला पोर्ट इन द वेस्ट कोस्ट, थर्ड इज साउथ में टूटिकोरिन पोर्ट। पारादीप पोर्ट ने ऑलरेडी DPR बन रहा है, इसी साल के अंदर हम अप्रूवल ले लेंगे फॉर डेवलपिंग ए हाइड्रोजन एक्सक्लूसिवली ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन बेथ। इसमें ये जो ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन आजकल तो बाहर है, इसका काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है आने वाले दिन में। ये सब ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया को हैंडल करने के लिए सेपरेट बेथ हम बना रहे हैं। इस विल बी ए मेजर गेम चेंजर इन आवर ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स।
एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर डूइंग इज एक टोटली हमारा भी इतना डीजल पावर से डीजल चलता रहता है रेलवे का। रेलवे हमारा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे रेक हैंडल करने वाला पोर्ट है पारादीप पोर्ट। सो मोस्ट ऑफ दीज रेक्स आर प्लेसमेंट होता है, रन आउट होता है डीजल पावर से। हम एवरीडे 12 डीजल लोकोस इधर काम करता है। ये सारा डीजल लोकोस को नेक्स्ट 2 साल का अंदर हम वितरा करेंगे, पूरा इलेक्ट्रीफाई करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी भी हम लेके आएंगे फ्रॉम सोलार पावर प्लांट। हम एक 10 मेगावाट सोलार पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसमें हमारा सारा एंटायर ऑपरेशन, जितना ऑपरेशंस होता है हमारा, HMCs होता है हमारा, रेलवे लोकोस होता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है फॉर मशीनरी के लिए, जितना स्टैकर के, रिक्लेमर के लिए, कन्वेयर्स के लिए, ये सब पावर आता है सोलार पावर से। अभी हम लेकर आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से खरीद कर रहे हैं, वो थर्मल पावर है। अभी सोलार पावर से जैसे आ जाएगा, हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा एंड हम ग्रीन पोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसका अलावा हम लोग ये ड्रेजिड मटेरियल हम लोग जो आ रहे हैं, हम लोग ड्रेजिंग करते हैं एवरी ईयर, करीब करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड ड्रेज करता है। अभी ये ड्रेजिड मटेरियल हम आगे यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको समंदर में डंप कर रहे हैं बहुत दूर से, एज पर द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस। हम आगे प्लान कर रहे हैं ये ड्रेजिड मटेरियल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंडस्ट्री से पारादीप इन एंड अराउंड, वो सबको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको बेचेंगे, उसमें विन विन सिचुएशन बन जाएगा। हमारे लिए भी कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा पोर्ट के लिए एंड इंडस्ट्रीज के लिए भी कम कॉस्ट में उसका सैंड भी मिल जाएगा। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट ड्रेजिंग पॉलिसी है, ये भी पार्ट ऑफ हरित सागर गाइडलाइंस है। पारादीप पोर्ट सागर श्रेष्ठ सम्मान के अवार्ड्स दिया गया है, सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स दिया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू ऑल द मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। उसमें 1 स्थान पारादीप पोर्ट प्राप्त किया है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। दिस इज द सबसे बहुत गर्व का बात है, बहुत खुशी का बात है। ये 1 स्थान का साथ साथ हम और 2 अवार्ड भी मिल चुका है। एक अवार्ड है कार्गो ग्रोथ। पारादीप पोर्ट ने इंडिया में सारा पोर्ट्स लेने से, मेजर या नॉन मेजर पोर्ट्स लेने से, सबसे हाईएस्ट कार्गो ग्रोथ लास्ट ईयर हम लोग दिया। 19.2 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ओनली ग्रोथ, दैट मीन्स पिछले साल से इस साल का डिफरेंस इज ओनली 19.2 मिलियन टन्स। परसेंटेज टर्म्स में भी करीब करीब 17% ग्रोथ आ गया। दिस इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, वेदर इट इज़ ए प्राइवेट पोर्ट और ए गवर्नमेंट पोर्ट, एंड फॉर दैट एक अवार्ड दिया गया, हमारा सम्मान दिया गया है। तीसरा है बर्थ प्रोडक्टिविटी। कभी कस्टमर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रोडक्टिविटी, कितना कार्गो आप हैंडल कर सकते हैं बर्थ में, एक अगर वेसल एक दिन रहने से कितना कार्गो हैंडल कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर हम लोग करीब करीब 27,000 टन्स कर रहा था, इस साल में हम उसको बढ़ा के 31,000 से क्रॉस कर चुका है। ये हाईएस्ट इन द कंट्री, इसके लिए भी एक अवार्ड मिल चुका है सागर श्रेष्ठ सम्मान। सो ऑल टुगेदर हमको 3 अवार्ड्स मिल गया। 1 इज़ द 1 पोर्ट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस, 2nd इज़ द 1 पोर्ट इन कार्गो ग्रोथ, एंड 3rd इज़ द 1 पोर्ट इन बर्थ प्रोडक्टिविटी। दीज 3 अवार्ड्स एंड पारादीप पोर्ट हासिल किया, ये सबके साथ शेयर करना चाहता है। माई अवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूनियन श्री सर्वानंद सोनवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, एंड अवर सेक्रेटरी श्री सुधांत स्पंसर को बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ, बहुत थैंक्स देता हूँ फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस, फॉर गिविंग ऑल द गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड डायरेक्शंस थ्रू आउट द ईयर। अगर उसका मार्गदर्शन के बिना ये हम हासिल नहीं कर सकता था। इसके अलावा इसे श्रेय जाता है पूरा पारादीप परिवार को। पारादीप पोर्ट का परिवार होता है, इट इज़ नॉट ओनली अवर एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स बट ऑल्सो अवर एक्सपोर्टर्स, अवर इम्पोर्टर्स, अवर PPP ऑपरेटर्स, अवर स्टीविडोर्स, अवर शिपिंग एजेंट्स एंड अवर यूनियंस एंड ऑल द पीपल हु आर कनेक्टेड विद दिस, और ये सब श्रेय जाता है पारादीप परिवार को। एक तो लास्ट ईयर में हम 3,000 करोड़ का एक वेस्टर्न डॉक प्रोजेक्ट हम उसको अवार्ड कर चुका है, काम ऑलरेडी चालू है। ये 3,000 करोड़ अवार्ड का इस ये 2-3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से
हम 300 मिलियन टन कैपेसिटी पोर्ट बन जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत डीप भी बन जाएंगे, 18 मीटर ड्राफ्ट भी हमको मिल जाएगा। एंड इसका वजह से हम केप वेसल्स मतलब 2.5 लाख 3 लाख टन का वेसल भी हम हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होगा पारादीप पोर्ट हिस्ट्री में। अभी तक हम 14.5 मीटर ड्राफ्ट वेसल्स भी, दैट मीन्स सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख टन सिर्फ वेसल से हम लोग इधर आ रहे हैं। अभी जैसे 2.5 लाख 3 लाख टन का वेसल आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। बड़ा बड़ा वेसल में जब आ जाएगा उसका श्रेय सबको मिल जाएगा, नॉट ओनली फॉर पारादीप पोर्ट बट ऑल्सो एंटायर हिंटरलैंड, जितना एक्सपोर्टर से जितना इम्पोर्टर से वो सबको ये एडवांटेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में करीब करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने वाले है। ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने से हम 100% मैकेनाइजेशन हो जाएंगे। ये 100% मैकेनाइजेशन जैसा हो जाएगा पारादीप पोर्ट का उसका पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो जाएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कार्गो एट पारादीप कम हो जाएगा। जब कॉस्ट कम हो जाएगा इससे एडवांटेज सबको मिल जाएगा, एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स को उसको लाभ होगा। इसका और एक चीज़, हम 10th में ये अवार्ड हमको मिल चुका है। उसी फंक्शन में अवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्वानंद सोनोवाल जी हरित सागर गाइडलाइंस अनवील किया। ये हरित सागर गाइडलाइंस का मेजर लक्ष्य है ऑल इंडियन पोर्ट्स को ग्रीन पोर्ट्स बनाने के लिए। इसी का अंतर्गत हम पारादीप पोर्ट भी काफ़ी स्टेप ले रहा है टू मेक दिस पारादीप पोर्ट एज अ ग्रीन पोर्ट इन द कंट्री। उसमें फर्स्ट थिंग इज हम प्लांटेशन, लास्ट 1.5 साल में हम करीब करीब 2 लाख प्लांट्स हम किया। ये OFDC ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमको सहाय दिया इसमें। हम नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम अनदर 3-4 लाख प्लांट्स हम प्लांटेशन करेंगे। इसके साथ पारादीप पोर्ट इज द फर्स्ट पोर्ट टू कम अंडर 10 लाख प्लांटेशन कवरेज, 1 मिलियन ट्री कवरेज का आने वाला पहले पोर्ट बन जाएगा कंट्री में पारादीप पोर्ट नेक्स्ट 2-3 साल में।